अमरीकी लक्ष्य जो है वो बेसिकली तो हम आर्थिक समस्या से निपटना चाहते हैं, जिनमें से वैश्विक गुर्बत और हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसायल दे सकते हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स सस्टेनेबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट है और हम वैसे टूल्स जो प्रूवन है हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम वो पोषण की सुरक्षित जो यूक्रेन का यूक्रेन पर रूस का हमला असर पड़ रहे वो कितने कम कर सकते हैं, ताकि वैश्विक मंदी पर अनाज की कमी और किल्लत महंगाई और नहीं बढ़ाए। और फिर हम ऐसे एम्फसाइज करना चाहते हैं कि G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए, और हम दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ होकर वैसे मसला हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। बायलैटरल भी इसके दूर है, और इस पे आप बताएं कि क्या मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर दोनों जो लीडर्स हैं वो अभी तक उनके स्पेसिफिक्स का ऐलान नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वैसे वैश्विक गुर्बत जो G20 में भी हम बात करेंगे उसके बातचीत होगा, और इंडिया के साथ हमारी धावन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है, और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। असल में इस प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप की बात भी हो रही है और अमेरिका उनका सपोर्ट भी करते हैं। रूस और चीन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, दिल्ली डिक्लेरेशन की भी बात है, क्या उम्मीदें उससे लगा सकते हैं आप? दिल्ली डिक्लेरेशन को लेके आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, आखिरकार कौन कौन प्रतिबंधी भेजेंगे वो हर एक देश का अपना फैसला है। जो भी प्रतिबंधी चीन और रूस भेजेंगे उनके साथ हम G20 में काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा, कंसेंसस तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है। हम कोशिश करेंगे कि हम अग्रीमेंट मिले।